क्वेश्चन नंबर 12 हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था ना, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। ठीक है, इसे कुछ मान लो, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो थोड़ी सी। इक्वल टू में इसे कुछ टोटल कुछ मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा a क्या है, x प्लस y। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x क्या आएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू हमने लेट क्या किया है, cos इनवर्स 1/2 को लेट किया ना, तो सॉल्व करो इसे, cos इनवर्स 1/2, cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 पे हमें 1/2 मिलती है ना, तो cos π/3। तो क्या इसे हम कट कर सकते हैं, तो रेंज देखनी पड़ेगी cos इनवर्स की हमें। cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से 180 क्लोज ब्रैकेट। तो ये क्या हमारा 60 आएगा ना कट करने के बाद, 60 हमारी इस रेंज में आ रही है, वो 0 से 180 में बिल्कुल आ रही है, तो हम कट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, इज इक्वल टू π/3 मिल गई x की वैल्यू, और जो कि बिलोंग करती है रेंज में हमारी cos इनवर्स के, बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। अब बात करते हैं y की, y की वैल्यू क्या आएगी, y क्या है हमारा, 2 sin इनवर्स 1/2। सॉल्व करो इसे, 2 sin इनवर्स, साइन में 1/2 30 पे आता है ना, तो साइन π/6 यस और नो। तो अगर मैं कट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, π/6 मिलेगी वैल्यू, है ना, π/6 मिलेगी, मतलब 30 मिलेगी। 30 क्या साइन इनवर्स की रेंज में आती है, बिल्कुल आती है ना, तो इसे मैं कट कर सकता हूँ। तो कट कर दिया हमने, तो हमें क्या मिला, 2 × π/6, तो हमें मिल गई वैल्यू 2 × π/6 मतलब π/3 यस और नो, बिलोंग्स टू साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 यस और नो, -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रही है, लिख दो यहाँ पे बस। तो हमें फाइंड करनी थी a की वैल्यू, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, x प्लस y इज इक्वल टू π/3 + π/3 इज इक्वल टू 2π/3, ये हमारा आंसर आ गया। ओके okay?